नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञप्ति 47 के अंतर्गत आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे प्रश्नों के जो डाउट हैं आप लोगों को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास लगातार व्हाट्सएप और मैसेज आ रहे हैं कि सर, जो ये 12 जनवरी का एग्ज़ाम है उसका क्या होगा और रिजल्ट कब तक आएंगे, और जो की आई हैं वो जो बचे हुए पेपर हैं उनकी की कब आएंगी। तो इससे संदर्भ में मुझे क्या है दोस्तों कि एक कटिंग मिली हुई है न्यूज़पेपर की। मैं न्यूज़पेपर का नाम आपको बता देता हूँ, अमर उजाला का 13 अप्रैल 2019 यानी आज का संस्करण है। तो सबसे पहले हम उसको नोटिस देखते हैं और उसके बाद उसके आधार पर हम कुछ एनालिसिस निकालने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। जी हाँ दोस्तों, UPSC GS के 2 सवालों के 2-2 विकल्प सही, एक प्रश्न को किया गया डिलीट। ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को मिल भी गया है, काफ़ी सारे लोगों ने देख भी लिया और आंसर की भी आप लोगों ने मिला ली होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको बता दें दोस्तों, प्रयागराज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी UPSC ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत एक विषय, देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये मतलब विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय वाणिज्य और विज्ञापन संख्या 47 के तहत 7 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग ने जिन विषयों की उत्तर कुंजी जारी की उनकी परीक्षा पहले चरण में पिछले साल 15 दिसंबर यानी 15 दिसंबर 2018 को हुई थी। पहले चरण में कुल 24 विषयों की परीक्षा हुई थी जिसमें आयोग ने 8 विषयों की उत्तर कुंजी जारी की है। केवल 8 विषय की उत्तर कुंजी जारी हुई है। अभी अलग अलग विषयों की परीक्षा में कुल 100 सवाल आए थे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसा कि 100 प्रश्न ही आते हैं और इसमें सामान्य अध्ययन के 30 सवाल सभी विषयों की परीक्षा में कॉमन रूप से पूछे जाते हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो ये सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न है उसकी तैयारी कराने का मैंने पूरा प्रयास किया हो, तो सारी यूनिट वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे वीडियो पड़े हुए हैं UPSC के नाम से फोल्डर में, एंड जबकि बाकी के 70 सवाल विषयों में से संबंधित है। आयोग की ओर जारी अंतिम उत्तर कुंजी में सामान्य अध्ययन के पेपर में 2 सवालों के 2-2 विकल्प सही माने गए हैं और 1 सवाल को डिलीट किया गया है। ए सीरीज़ की बुकलेट में सामान्य अध्ययन यानी GS की प्रश्न संख्या 15 में विकल्प ए एवं सी और प्रश्न संख्या 16 के विकल्प बी एवं डी को सही माना गया है, जबकि सवाल संख्या 19 को हटा दिया गया है। इसके अलावा विषयों से में भी कुछ सवालों के 2 विकल्प सही माने गए हैं और कुछ सवाल डिलीट किए गए हैं। विज्ञापन संख्या 46 के तहत पहले चरण में हुई 23 विषयों में से अब 16 विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी आना बाकी है। इन विषयों के पेपर को लेकर आई आपत्तियों का निस्तारण चल रहा है। दूसरे चरण में 5 जनवरी को 6 और तीसरे चरण में 12 जनवरी को 6 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। विज्ञापन संख्या 47 के तहत कुल 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती होनी है। फिलहाल अभी पहले चरण में विज्ञापन संख्या 47 के तहत हुई 23 विषयों में से 16 विषयों के सवालों को लेकर आई आपत्तियों का निस्तारण चल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अब मैं कुछ प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें बचे हुए प्रश्नों की, तो अभी तक जो है 8 विषयों के जिनके ऑब्जेक्शन किया गया था जिनके प्रश्नों में, वो सॉर्ट आउट हुआ और उसकी फाइनल आंसर की आ गई। अभी पहले चरण में अभी बहुत सारे विषय बचे हुए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो 15 दिसंबर का पेपर हुआ था, तो ये तो एक चीज़ क्लियर कि जो 15 दिसंबर के पेपर के बचे हुए विषय की जो फाइनल आंसर की है वो जल्दी आने की संभावना है। लेकिन बचे हुए जो विषयों की अगर हम बात करें, जो 6 विषय हैं जिनके एग्ज़ाम 6 जनवरी को हुए थे, उसमें टाइम लगना है, श्योर है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो जो 12 जनवरी को जिन लोगों ने पेपर दिया था उनको आ रही है। तो उसके अगर हम केवल फाइनल आंसर कीज की बात करें, देखिए रिजल्ट में तो साफ साफ लिखा है अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन 12 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे आप लोग जानते हैं कि पेपर आउट हुआ था और आयोग की उसमें जांच भी चल रही है, लेकिन कहीं से भी अभी इस तरह की कोई नोटिस नहीं है कि वो जाँच जो है कहाँ तक पहुँची है। और जब तक जाँच का के अकॉर्डिंग जो है नई नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक इसमें कुछ भी कहना जो है उचित नहीं होगा। फिर भी जो मेरा अनुमान है ये है कि 12 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें 2 कंडीशन है। एक तो ये हो सकता है कि जीएस के को क्वेश्चन को हटा दिया जाए और बचे हुए जो विषय के 70 प्रश्न हैं उस पर मेरिट तैयार की जाए। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ी दुविधा की बात दोस्तों ये है कि हो सकता है कुछ कैंडिडेट जो है इसमें भी ऑब्जेक्शन करे और इसको ना माने, तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि इस पूरे को पूरे पेपर को ही कैंसिल कर दिया जाए जो 12 जनवरी को 6 विषय में हुए थे। और आने वाली जो वैकेंसीज हैं, जैसा लगातार सुनने में मिल रहा है कि 2000 से अधिक वैकेंसी जून या उसके बाद में आएंगी, यानी चुनाव के बाद में ही आ पाएंगी, तो उसके साथ में जो है ये 12 जनवरी वाले जो पेपर हैं उनका एग्ज़ाम जो है फिर से कंडक्ट कराएँ।
और इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर हम विज्ञापन संख्या 46 की बात करें तो उसमें एक विषय था आपका कॉमर्स, कॉमर्स का एग्जाम नहीं हुआ था, और उस एग्जाम को कराने के लिए जो आपका विज्ञापन 47 के अंतर्गत जो एग्जाम हुए उसमें जो है वाणिज्य का पेपर लिया गया हुआ था। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है और इसकी संभावना ज़्यादा है। फिर भी दोस्तों ये मेरे अपने विचार हैं, अभी फाइनल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि 12 जनवरी के एग्जाम के विषय में आयोग क्या डिसीजन या निर्णय लेता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और रिजल्ट के लिए कुछ ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो मेरी सलाह दोस्तों आप लोगों को यही रहेगी कि आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, इसमें तो जो आपने किया होगा उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। अब इसमें देखिए, अब हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, जो भी करना था हम लोगों ने पेपर दे दिया, या आप लोगों ने जो पेपर दे दिया, अब रिजल्ट आना है तो स्वाभाविक है जिन लोगों का अच्छा पेपर हुआ होगा उनका नाम आएगा ही आएगा। और फिर भी इसके वेट में यदि हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उचित नहीं रहेगा। हम कंटिन्यू जो है आने वाले जो अदर एग्जाम है, जैसे अभी GDC का एग्जाम होना है, उसके बाद फिर यदि UPSC के भी पेपर आ गए तो फिर से हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और इन सारे जो ये पेपर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो GK और GS का पोर्शन सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है और एक गेम चेंजिंग की तरह रोल प्ले करता है आपका GK और GS का पोर्शन। तो इस पर आप जरूर बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए क्या सब्जेक्ट में तो सभी लोग नेट होते हैं या JRF हैं कुछ लोग उसमें, और कुछ लोग PhD भी होल्डर हैं, यानी अपने सब्जेक्ट में उनको कोई डाउट एक तरीके से नहीं है। तो मेन फोकस मेरे हिसाब से आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट में तो मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं देना चाहिए, आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, उसमें तैयारी आपकी अच्छी है भी, लेकिन GK और GS पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हम आपको बता दें दोस्तों, GDC के लिए जैसे आप लोग जानते हैं व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, और GDC के लिए जो GS का पोर्शन है उसके मैंने नोट्स भी तैयार कर दिए, PDF फॉर्म में भी है, हार्ड कॉपी में भी है, तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपको किसी को लगता है कि नहीं आपके नोट्स काम आ सकते तो आप जो है इसको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर कांटेक्ट करके आप पूरा प्रोसेस पता कर सकते हैं, कैसे जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से जो है आप नोट्स ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।